अपनी सोच को कंट्रोल करो, फोकस, घड़ी के अंदर जाओ। क्या मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं? मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल क्यों? तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। आंखें बंद करके मन की आंखों से देखो। रुक जाओ। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या गुरुजी? नहीं, अभी अभी मैंने एक बुरा नजारा देखा। किल्विश शहर की तरफ गया है और अपनी यौगिक शक्तियों का इस्तेमाल करके बुराई फैला रहा है। हमें फौरन जाकर उसे रोकना होगा। गुरुजी, आप लोगों ने मुझे इसीलिए ट्रेन किया है, मैं जाकर किल्विश को रोकूंगा। नहीं, अभी तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। लेकिन गुरुजी, अगर आपको कुछ हो गया तो सात शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को ट्रेन कर सकते हैं। तुम किल्विश का मुकाबला नहीं कर सकते वेहान। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं उसे रोक सकता हूँ। मुझे जाने दीजिए गुरुजी। तुमने आज साबित कर दिया वेहान कि हमने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। जाओ, और याद रखना, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। बस अपने दिल से हमें आवाज देना। मेरे ख्याल से तुम वेहान हो। मैं तुम्हारा नया रूममेट हूँ, मेरा नाम है बम्पी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बम्पी। क्या ये तुम्हारी कार है? हाँ, ये मेरी आंटी की कार है जो मेरे अंकल को इसी में घुमाया करती थी। लगता है वो तुम्हारे अंकल को कुछ ज्यादा ही घुमाया करती थी। फॉर्मूला तैयार है प्रोफेसर ज्ञानी? एकदम तैयार है। गुड, तो क्या अभी इसकी जांच कर सकते हैं? हाँ, लगता तो है। एम्बुलेंस को बुलाओ। उनसे कहो कि प्रोफेसर ने खतरनाक केमिकल पी लिया है जिसमें मिले थे हाइड्रोकार्बन, जहरीले बैक्टीरिया और नैनो चिप्स। नहीं, आप क्या अंधे? ये तो मेरी सुबह की कॉफी है। ये है वो खतरनाक फॉर्मूला जिसमें है खतरनाक बैक्टीरिया, हाइड्रोकार्बन और नैनो चिप्स। अगर ये काम कर गया तो इससे हम ढेर सारा पेट्रोल बना सकते हैं जिससे दुनिया की पेट्रोल की कमी दूर हो जाएगी। अब तुम एम्बुलेंस बुला सकते हो। दुनिया का ये ऐसा पहला पेट्रोल होगा जो एक लीटर में 80,000 किलोमीटर तक चलेगा। इसकी एक झलक देखते ही मेरे ऑफिसर्स पक्का मेरा प्रमोशन कर देंगे। जनरल उस फ्यूल को अपने बेस पर ले जाने वाले हैं। तुम एक काम करो, ट्रक को हाईजैक कर लो और उस फ्यूल को पेट्रोल पंप के पेट्रोल में मिला दो। जी, 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 जी मास्टर। और याद रहे, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओए विहान, रुको। हाय लीना। हाँ, ये है मेरा नया रूममेट बम्पी। बम्पी, तुम्हें ये अजीब सा नाम कहाँ से मिला? ये नाम मेरी मॉम ने रखा। वो कहती हैं जब मैं पैदा हुआ मेरे सर पे एक बड़ा सा बम था, और मेरे डैड को लगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा ब्रेन भी बड़ा होगा। रियली? तो फिर उन्होंने तुम्हारा नाम ब्रेन ही क्यों नहीं रखा? अरे बाप रे, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। हम दोनों सेकंड हैंड कार वाले के पास जा रहे हैं, बम्पी को नई कार जो खरीदनी है। सेकंड हैंड कार खरीदे, मैं भी साथ चलूं? सेकंड हैंड कार वाले जो बेईमानी करते हैं, मैं उस पर एक धांसू स्टोरी लिख सकती हूँ। हाँ हाँ चलो, पर वहाँ पर तुम बहुत निराश हो जाओगी, क्योंकि जहाँ से मैं कार खरीदने जा रहा हूँ ना लीना, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होती। क्या तकलीफ है ऑफिसर? कोई तकलीफ नहीं है, बस तुम्हारा ट्रक हाईजैक करेंगे। क्या, आम ही ट्रक हाईजैक करेंगे? अच्छा मजाक है। अभी तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, जब मैं लाफिंग गैस छोड़ूंगा तो हंसी की फंसी हो जाएगी। Ha 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 ha
मुझे वायरस दो टॉक। वायरस चाहिए? पक्का दूं? हाँ बेवकूफ मोटे जल्दी दो। ओके अच्छे। ये नहीं दूसरा वाला। ओ सॉरी। अभी से नैनो वायरस के काम करने का एहसास हो रहा है। वो फ्यूल को बदल कर एक खतरनाक वायरस बना देगा जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और शक्तिमान का नामो निशान मिटा देगा। अब आएगा मजा। अंधेरा कायम रहे। अभी हमारे सारे पेट्रोल टैंक्स भरे हुए हैं, तुम अगले हफ्ते आना। टेंशन मत ले, तुझे इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये मुफ्त है। क्या थोड़ा सा पेट्रोल भर दोगे? इनकी बात नहीं टाल सकता टेक, देखो ना कितनी बूढ़ी है। अगर मैं कहूँ कि ऑयल भी चेक कर दो तो तकलीफ तो नहीं होगी? हाँ। नहीं होगी। ऑयल तो ठीक है। ओह, शीशे पर देखो कितने कीड़े चिपक गए हैं। इन्हें जरा। मुझे लगता है थोड़ी हवा की भी जरूरत है। अभी लो। अब जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी धुलाई कर दूं। अरे उसने तो पैसे भी नहीं चुकाए। वो तो चुकाएगी, बस देखते जाओ। जितना मैंने सोचा था ये कार तो उससे कहीं ज्यादा शानदार है। तुम यहाँ पर अपना काम करो, मैं अंदर जाकर अपना काम करती हूँ। ऑयल में थोड़ा और भूसा मिला दो, यह आवाज करना बंद कर देगी। इस कार की हमें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। जो सुना था वो सच निकला, ये लोग तो बेईमान है। ये मिलावट वाली न्यूज तो हिट हो जाएगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे अपनी पहचान छुपानी आनी चाहिए, तभी तो मुझे मिलेगी कहानी और फंसेगा बेचारा बम्पी। क्यों है ना एकदम बढ़िया, ये हर बात में सबसे अच्छी है। लो मेंटेनेंस, गुड एवरेज और कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, एकदम चकाचक है। सही कहा दोस्त, ये कार तो वाकई जबरदस्त है। कितने की है? इस खटारा की अच्छी से अच्छी कीमत वसूल कर रहा। ज्यादा नहीं, आपके लिए बस 2 लाख। तो समझो डील पक्की। तुमने देखा मैंने उसके साथ कैसा मोल भाव किया? इतने सस्ते में उससे इतनी शानदार कार खरीद ली। तुम कवर कर रही हो ना लीना? हाँ हाँ, मैं तो सब कुछ कवर कर रही हूँ। इस ई का मतलब क्या होता है? ओहो, ई मतलब एम्प्टी, पेट्रोल खत्म। पर सेल्समैन ने तो कहा था कि टैंक फुल है। शायद उसका मतलब था कि हवा से फुल है। वो देखो वो रहा पेट्रोल पंप। वो बेवकूफ मेरे गंदे फ्यूल को पूरे शहर में फैला रहे हैं। अब इस शहर को तबाह करने का टाइम आ गया है।
के बाद तो ये कार हवा से बातें करने लगी। सच में यार, ये तो किसी जहाज से कम नहीं। सॉरी वेहान, लगता है तुम मेरी इस कार की स्पीड सहन नहीं कर पा रहे हो, है ना? नहीं, बात कुछ और है। अरे ये गाड़ी इतना खड़खड़ क्यों कर रही है? टेंशन मत लो बम्पी, तुम्हारी कार वारंटी में है ना? तुमने वारंटी कार्ड तो लिया था ना? क्यों बम्पी? चलो जल्दी इस तरफ चलो। सब यही है। मैं इस शक्ति की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं इसके अंदर देख पा रहा हूं, पर इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। एक समय में एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करो, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। चिप्स के बदले वायरस लगा दिया है। पूरे शहर में तेल के बड़े बड़े छींटे फैल रहे हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहे हैं। प्रोफेसर ज्ञानी, कितनी अजीब बात है ना, गाड़ियों का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि शहर में तेल के बड़े बड़े छींटे उड़ रहे हैं। ये प्रदूषण की वजह से नहीं है प्रोफेसर, ये इसकी वजह से है। इस पेट्रोल में एक ऐसा वायरस है जो इसके डीएनए को कंट्रोल कर रहा है। लुइस, इसे स्कैन करो और इससे लड़ने का फॉर्मूला दो। अभी लो प्रोफेसर। मैं इसे शक्तिमान के पास ले जाता हूं ताकि वो वायरस के असर को खत्म कर सके। ओ नहीं, तुम इसे कहीं नहीं ले जाओगे। ये मिलिट्री की प्रॉपर्टी है,
और मैं नहीं चाहता कि शहर बचाने की वाहवाही शक्तिमान को मिले। मैं इसे बेअसर कर दूंगा। आप बेअसर क्यों करना चाहते हैं? बल्कि हम तो इसे हथियार बना सकते हैं। हथियार? हाँ, ये तो मैंने बहुत अच्छी बात सोची। हम इसे हेलीकॉप्टर से स्प्रे करेंगे और तेल के छींटों को अपने हेडक्वार्टर ले जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा जनरल, उन छींटों को कोई ऐसी शक्ति कंट्रोल कर रही है जिसे रोकना आपके बस के बाहर है। कुछ भी मेरे बस के बाहर नहीं है चश्मेश, खास कर वो तेल के छींटे। चलो मेजर। पर जनरल, बहुत अच्छी, अंधेरा कायम रहे। शाबाश मेरे प्यारे मॉन्स्टर, बड़े हो जाओ, पूरे शहर में अपनी दहशत फैला दो, तबाह कर दो सब कुछ, अंधेरा कायम रहे। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी, मेरी शक्ति की भीख मांगेगी। अंधेरा कायम रहे। तुम्हारे पास कोई हाईफाई कैमरा नहीं है जिससे इसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ से दूर जाके बिल्कुल साफ साफ कर सके? फिर डिस्टर्ब मत करो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है और अभी ऑयल पाइपलाइंस की तरफ जा रहा है। वाली ना, क्या कवरेज मिल रही है। लो, मिलिट्री मेरा काम बिगाड़ने आ गई। चलो इस वायरस को कंट्रोल करें। के रख दो। हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है। पहुंचाया जाएगा और ये कवरेज लेकर आ रही है सिर्फ लीना। क्या आप ठीक है जनरल? तुम्हारे आने से पहले तक ठीक था। ये सरकारी प्रॉपर्टी है। अब मैं शक्तिमान को चूर चूर कर दूंगा। लीना, वो एंटीवायरस दो जो तुम्हारे पीछे है, मेरी तरफ फेंको। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम है न्यूज रिकॉर्ड करना। अरे, ये मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं, मेरा कैमरा। एंटीवायरस गया। अगर ये बात है तो मुझे ही एंटीवायरस बनना होगा। किल्विश की मानसिक शक्तियों से जूझकर नैनो चिप्स पर कंट्रोल करना होगा। फोकस, फोकस। शक्तिमान, तुम मुझे इस तरह नहीं हरा सकते। नहीं! तुम ठीक हो ना लीना? नहीं।
अरे विहान दिख नहीं रहा। किसी ने मुझे याद किया क्या? हाँ, न जाने यहाँ पे क्या से क्या हो गया, मेरी शक्तिमान वाली फुटेज चली गई और साथ ही वो फुटेज भी जिसमें बम्पी और उसकी कार की धज्जियाँ उड़ रही थी। नहीं लीना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी धज्जियाँ नहीं उड़ी। ये कार तो कमाल की है। चलो मैं तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ देता हूँ। अरे कार का टायर, अब मैं घर कैसे जा पाऊंगा? बम्पी, कभी कभी थोड़ा चलकर भी जाया करो, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। हुँ? हुँ?